आज इसे होते रहेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सुन लो कि कितना बड़ा फेंको फिरका है ये, फेंको ये सुनिए, ये है जमीर अख्तर नकवी साहब। ऐसे बड़े बड़े छोड़ू इस फिरके में किसी फिरके में नहीं मिलेंगे आपको। नेपाल में, तिब्बत में आज भी नौजवान लड़के आशूर के दिन सुबह अपने घर से निकल जाते हैं छुरियां लेकर और जंगल में पहुंचते हैं और कमीजें उतार के छुरियां मारना शुरू करते हैं या हुसैन कहके, नेपाली बौद्ध मजहब रखने वाले या हुसैन कहके, और उसके बाद वो मर जाते हैं, छुरी मार लेते हैं और मर जाते हैं। उनकी मौत वाकई हो जाती है कई सौ नौजवानों, और उसके बाद शाम को वो उठकर अपने घर ठीक होकर वापस आ जाते हैं। अरे भाई दलील भी दे रहे, जिसका जी चाहे नेपाल चले जाए, जिसका दिल चाहे जाके देखे कि कैसे मरते हैं और कैसे जीते हैं। मरते भी देखा गया है उन्हें और जिंदा होते भी देखा गया है, और पूछा भी गया कि भाई जब मर जाते हो तो जिंदा कैसे होते हो, तो कहते हैं शाम को कोई आता है और अपने पैर से हमारे जख्मों पर मस करता जाता है, उठो घर जाओ, उठो घर जाओ। हम पूछते हैं कौन, तो आवाज आती है अब्बास, अब्बास। नेपाल में, तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग, गौतम बुद्ध के मानने वाले जंगल में जाते हैं, छुरी चाकू से मातम करते हैं, सीने फाड़ते हैं, मर जाते हैं, एक दो नहीं कई सौ, फिर रात में जिंदा होकर घर आ जाते हैं। तो कैसे जिंदा होते हैं लोगों ने पूछा, तो कहा रात में एक आता है, एक शख्स हमें अपने पैरों से हमारे जख्मों को मस करता है, कहता घर जाओ, चलो घर जाओ, कल फिर आना, आज 10 से 12 को भी आना है, चलो घर जाओ। हम पूछे कौन, आवाज आती है अब्बास, अब्बास अलमरदार, अब्बास अलमरदार आते करबला में। अब कोई काम नाम बचे नहीं उनको, इसीलिए आते रहते हो। खुदा की कसम इस मेंबर पे मैं कसम खा के कह रहा हूं, 15 बार नेपाल गया हूं, नेपाल में गया हूं, आके मैंने अपने सुन्नी उलमा से पूछा भाई ये कौन सा तिब्बत का इलाका है, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा भाई हमने तो सुना है यार, तकरीर में सुना है, एक बहुत बड़े मुहक्किक है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि साहब नेपाल में ऐसा होता है तिब्बत में, तो हमको यार वो लोगों से मिलाओ, मैं तो तिब्बत आया हूं भाई, तो तिब्बत में मिलना चाहता हूं जो बार बार जिंदा हुए। तो एक बारीक सा मच्छर सिंह नाम का कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला यार जो जिंदा हुआ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मातम करने के बाद मर जाते हो, जिंदा हो जाते हैं, तो तुम जब मातम करते हो तो एम्बुलेंस काहे को रखते हो,